क्वेश्चन सीबीआई के ऊपर है, जो एक हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे कहा जा रहा है कि जो सेंटर है वो सीबीआई को यूज़ करती है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो इसी एंगल से ये क्वेश्चन है कि विदाउट रिफॉर्म सीबीआई विल कंटिन्यू टू बी अ केजेड पैरट डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ हूएवर इज इन पावर। तो आपको इसको एनालाइज करना होगा और साथ में बताना पड़ेगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं हम इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। सीबीआई को केजेड पैरट क्यों कहा जाता है? पहला, पॉलिटिसाइजेशन, दूसरा कोलिशन अलाइज को लाइन पर करने के लिए यूज, तीसरा पॉलिटिकली बायसनेस, चौथा हैंडमेडन टू पार्टी इन पावर, पाँचवा चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट। ओवरऑल इससे देखें तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई को एक पॉलिटिसाइज बॉडी हो गया है, और जो भी पावर में उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, वो चाहे अपोजिशन को धमकाने के लिए हो या फिर अपने खुद के जो एलाइज हैं उनके सपोर्ट को कंटिन्यू करवाने के लिए हो। जो क्रिटिसिज्म है क्या क्या है? एक तो ये होम मिनिस्टर से पे डिपेंडेंसी, दूसरा लॉ मिनिस्टर पे डिपेंडेंसी, तीसरा गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन की कैपेसिटी, चौथा डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, पांचवा पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, फिर सिक्स्थ एक्यूज्ड ऑफ एनॉर्मस डिले, सातवां इमेज ऑफ द एजेंसी, आठवां प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट, फिर नौवां की सीयर मिसमैनेजमेंट ऑफ सीबीआईज वर्कफोर्स, दसवां की कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ग्यारहवां की सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो देखते हैं, देखो पहली चीज़ तो है कि सेंटर के तरफ से अगर देखें तो सेंटर यूज़ करती है सीबीआई को अपने अनुसार। सीबीआई डिपेंडेंट है सेंटर पे इन टर्म्स की वो उसे होम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और साथ में जो लॉ मिनिस्टर की एजेंसी है उनका सपोर्ट लेना पड़ता है किसी भी इंक्वायरी के लिए। तो इस तरह से उनके पास एक फंक्शनल ऑटोनॉमी की कमी है। फिर देखा गया है कि ये गवर्नमेंट उसे आसानी से मैनिपुलेट कर पाती है, और साथ में दूसरा एंगल इसका है कि सीबीआई को कंसेंट चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के भी कंसेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद में एक स्टेट सब्जेक्ट है, और सीबीआई एक सेंट्रल बॉडी है, इसके कारण भी कंफ्लिक्ट होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिले होता है, इसकी फंक्शनिंग टोटली स्मूथ नहीं हो पाती है। हमें ज़रूरत है कि जो इसकी इमेज है एज एन एजेंसी जो इतनी बुरी हो गई है उसे इम्प्रूव करने का, जैसा कि क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं जो कि पॉलिटिकल केसेस थे और बहुत सेंसिटिव केसेस थे वो सीबीआई ने ही हैंडल किया, जैसे बोफोर्स स्कैंडल, हवाला स्कैंडल, भोपाल गैस ट्रेजेडी, फिर आरुषि तलवार मर्डर केस। सीबीआई को एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई एक्ट के लिए, इसलिए ये पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं है। तो इस तरह से साथ में सीबीआई के खुद के भी वर्कफोर्स और मैनेजमेंट में कमी है, इनएफिशिएंसी दिखती है, चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, मतलब कि जो ऑफिसर्स चूज किए जाते हैं वो जो सेंटर होते हैं उसके फेवरेट्स होते हैं। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होता है सीबीआई को फॉर फंक्शनिंग। तो रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए? तो एक तो पहला मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क, दूसरा सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन, तीसरा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी का 19 एंड 24 रिपोर्ट, फिर चौथा लीगल मैंडेट मिलना चाहिए, पांचवा जो लोकपाल एक्ट का रिकमेंडेशन है सीबीआई के बारे में वो, फिर पांचवा न्यू सीबीआई एक्ट लाना चाहिए, और फिर नेक्स्ट की पार्लियामेंट्री ओवरसाइट पे रखना चाहिए। तो देखते हैं, देखो पहले तो सीबीआई को एक खुद में मॉडर्नाइज करना चाहिए, उसके जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहिए। दूसरा कि सेकेंड एआरसी ने जो सजेस्ट किया था कि सीबीआई को कैसे बेटर करना चाहिए, उस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी होती हैं पार्लियामेंट की, वो उसने भी रिकमेंड किया है। 2007 में एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट एक्ट के थ्रू सीबीआई को मतलब प्रमोलगेट करना चाहिए, और उसकी इंडिपेंडेंस और पार्सलिटी का ख्याल रखना चाहिए। उसी तरह 19 और 24 रिपोर्ट जो थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2007 और 2008 की, इसको मेंशन करते हुए आप कहोगे कि बहुत जरूरी है कि सीबीआई को स्ट्रेंथन किया जाए, सीबीआई को लीगल मैंडेट दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन पावर दिया जाए ऑल ओवर इंडिया का। ठीक है,
उसके बाद लोकपाल ने भी कहा है कि हमें ज़रूरत है कि सीबीआई की फिनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन हो। फिर नेक्स्ट कि जैसे सीएजी या बाकी ऐसे एजेंसीज हैं जिनको एक ऑटोनॉमी है, एक इंडिपेंडेंस है, वैसे ही सीबीआई को भी एक ऑटोनॉमी की देने की ज़रूरत है। इसी को मद्देनज़र एक न्यू सीबीआई एक्ट भी लाया जा सकता है। साथ में जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बाकी कंट्रीज में फॉलो करते हैं, उसके थ्रू भी सीबीआई को बेटर और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीबीआई में कमी है और उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू।